हेलो फ्रेंड्स, मैं अभेश कुमार, बिरलाइन ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि पिछला लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक लॉ के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिस लॉ का नाम है गुलाम शाह। कौन सा लॉ? गुलाम शाह। देखिए, हम लोग यहाँ कूलम्ब्स का नियम जो डिस्कस कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस है। कूलम्ब्स का नियम मैग्नेटिज्म में भी होता है, तो हम लोग मैग्नेटिज्म में डिस्कस ना करके हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, कूलम्ब्स एक के फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ऐसा वैज्ञानिक थे फ्रांसीसी, मतलब फ्रांस के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे। फ्रांस के रहने वाले लोग को फ्रांसीसी कहेंगे, जैसे इंडियन में, इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं, है ना। अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन कहलाते हैं, चाइना में रहने वाले लोग चाइनीज कहलाते हैं, उसी तरह फ्रांस में रहने वाले लोग फ्रांसीसी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1785 ईस्वी में इन्हें दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के ऊपर प्रयोग करके कुछ तत्वों को रखा, है ना, और उसी को बोला जाता है कूलम्ब का नियम। तो वो बल कितना लगेगा, कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं कूलम्ब्स के नियम के ऊपर कि क्या कूलम्ब्स ने बोले। देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं रहेगी। तो कूलम्ब्स के फंडामेंटल लॉ, कूलम्ब्स गेम थ्री फंडामेंटल लॉ, विच इज नोन एज कूलम्ब्स। कूलम्ब्स ने तीन मौलिक नियमों को दिया, जिसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। तो वो पहला नियम क्या है स्टूडेंट? तो पहला नियम कह रहा है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो चार्ज दो तरह का होता है। एक पॉजिटिव नेचर का होता है, एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है, यानी धनात्मक होते हैं, और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव नेचर का होता है, यानी अगर बोले तो ऋणात्मक होता है। यदि एक किस नेचर का होता है, धनात्मक नेचर का, और एक कैसा होता है, ऋणात्मक नेचर का। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो कूलम्ब्स ने कितने नियम दिया? तीन नियम दिए, है ना, और उस तीनों नियम को हम लोग सामूहिक रूप से क्या बोल रहे हैं, कूलम्ब्स। तो इन्होंने पहला जो नियम दिया, वो पहला नियम में कहा जो लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज रिपल्स एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब इस बात को सुनिए, क्या कहा कि जो लाइक चार्ज है, मतलब एक जैसा चार्ज, अगर ये प्लस है तो दूसरा भी क्या होता है, प्लस। तो प्लस और प्लस के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? तो कहा कि लाइक चार्ज रिपल्स, यानी एक जैसा आवेश एक दूसरे को रिपल्स करता है। रिपल्स का हिंदी विकर्षण करना या प्रतिकर्षण भी इसको बोल सकते हैं। तो प्लस प्लस रहेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपल्स करेगा।
रिपल्स करेगा, है ना, रिपेल्स करेगा, यानी दूर भगाएगा, यानी अगर इधर से आ रहा है तो इधर ये कर देगा। लेकिन अगर एक चार्ज माइनस माइनस अगर हो तो माइनस माइनस होगा तो भी यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस से बस इतना मतलब है कि अगर एक जैसा प्लस प्लस है तो एक जैसा है तो रिपल्स करेगा, रिपल्स करेगा, है ना। दो जैसा चार्ज है, जैसे अगर एक प्लस लेते हैं और दूसरा माइनस लेते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर प्लस प्लस है तो रिपल्स करेगा, माइनस प्लस है या प्लस माइनस है अट्रैक्ट करेगा, यदि एक जैसा अगर चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल्स करेगा, दो जैसा चार्ज है यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तब ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपने पहला नियम सीखा। अब इसका दूसरा नियम, तो इसका दूसरा नियम, अब देखिए यहाँ पे दो तरह का फोर्स लग रहा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। एक कैसा फोर्स, अट्रैक्टिव, और दूसरा कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव। तो यहाँ पे दोनों तरह का फोर्स लग रहा है, क्या बोले, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो कह रहा है यहां पर दो आवेशों के बीच, यहां पे लिख सकते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब देखिए, अगर यहां से हम लोग मानते हैं, यहां से मानते हैं कि कोई दो चार्ज है, एक चार्ज मान लेते हैं Q1 और एक दूसरा चार्ज मान लेते हैं Q2, और ये दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है F है, F है। अब देखिए ये जो फोर्स होगा वो इसके नेचर पे डिपेंड करेगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा तो जो फोर्स आवेगा प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अगर ए प्लस ए भी प्लस है तो ए इसको क्या करेगा, रिपल्स करेगा। एक का डिपेंड करेगा ये जो फोर्स होगा वो चार्ज के नेचर पे, चार्ज के नेचर पे डिपेंड होगा कि अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से
अगर हम लोग मानते हैं कि एक फोर्स जो लगने वाले फोर्स अनुचार्ज के हमारी दोनों के बीच की दूरी कितनी है आर, तो यहाँ से कुलाम्स ने कहा भाई देखो ये जो दोनों चार्ज, ये दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का, अब मैग्नीट्यूड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर माइनस दो कुलाम ये माइनस क्या बताएगा नेचर है ना, तो हमको ये माइनस प्लस से ज्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा। माइनस प्लस से क्या इंडिकेट करेगा कि फोर्स जो दोनों के बीच लग रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स होगा कि रिपल्सन फोर्स होगा, इस बात को इंडिकेट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, दोनों चार्ज के बीच का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ मान लिया जाए कि एक चार्ज Q1 है और यहाँ दूसरा चार्ज Q2 है, और ये दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो F है। ये F क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। और ये कौन बताएगा, ये बताएगा चार्ज का नेचर। अगर माइनस प्लस है अट्रैक्टिव होगा, माइनस माइनस है तो रिपल्सिव होगा, ना प्लस प्लस है तो रिपल्सिव। तो यहाँ से बोला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। आगे की जो बात है वो ये कह रहा है दूसरा नियम, द अट्रैक्टिंग और चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा जो डिपेंडिंग है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। कि अगर ये दोनों चार्ज के बीच अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स भी फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अब ये कैसे, देखिए अगर आपके घर में एक पल्ला वाला किवाड़ी होगा, एक पल्ला ऐसे, ठीक है, तो आप देखे होंगे कि मान लिया जाए कि ये चौखट है, इसका ये इसका पल्ला है। तो अगर यहाँ से आप यूँ इसको पुश करते हैं, ऐसे करके देखिएगा, ऐसे करके पुश करते हैं, ऐसे पुश करते हैं तो दरवाज़ा आसानी से खुल जाएगा, यानी कम फोर्स लगाइएगा और दरवाज़ा जो है, गेट जो है आपका वो खुल जाएगा। जबकि आप
यहाँ से ना पुश करके यहाँ से इसको ढकेलिए, इस पॉइंट से ढकेलिए, तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। आप घर पे जा करके प्रयोग करके देख सकते हैं क्यों ज़्यादा बल लगाना पड़ गया, क्योंकि स्प्रिंट डिस्टेंस घट गया। जो आप यहाँ से पुश कर रहे हैं उस समय डिस्टेंस बढ़ा जा रहा, बढ़ जा रहा, लेकिन आप यहाँ से पुश किए तो डिस्टेंस कम गया। जब डिस्टेंस कम गया तो यह कूलम्स का नियम है, कूलम्स का नियम कह रहा है कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर। इसका इनवर्सली होगा डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो अब कोई बोलेगा कि कूलम्स लॉ किस किस बातों पे डिपेंड करता है, तो आप साधारण से बोल सकते हैं कि पहला बात है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। अब वो फोर्स अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, अब वो तो चार्ज का नेचर बताएगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको मैंने माना इक्वेशन से, तो एक तो चार्ज पे डिपेंड किया, दूसरा डिपेंड किया क्या चीज पे, डिस्टेंस पे, और जो तीसरा सबसे लॉजिकल बात है वो ये है कि ये दोनों चार्ज के बीच ये जो गैपिंग है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये जो गैपिंग है यहाँ पे, ये जो गैपिंग है इसको बोलते हैं मीडियम। ठीक है, जैसे मान लो कि एक चार्ज यहाँ है दूसरा यहाँ है, तो ये दोनों के बीच कुछ गैपिंग होगा, चाहे आप इसको में वाटर रखिएगा, एयर रखिएगा, ये मेटल रखिएगा, क्या रखिए वो तो आप रख सकते हैं जो आपकी इच्छा है। तो तीसरा जो कूलम्स लॉ डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ये दोनों के बीच मीडियम का, यानी जो दो चार्ज के बीच आप फोर्स निकाल रहे हैं वो दोनों चार्ज को किस मीडियम में रखा गया है इस बात पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड कंपेयर करता हूँ, लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो आप कहिएगा कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना मैग्नीट्यूड ऑफ पी वन एंड क्यू, तो ए होगा। दूसरा क्या है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन बाई आर स्क्वायर, ये दोनों को कंपेयर कीजिएगा, एफ जो होगा वो प्रोपोर्शनलिटी क्यू वन इंटू क्यू का मैग्नीट्यूड और बटा में क्या हो जाएगा उसमें आर स्क्वायर। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को जब भी आप इक्वालिटी में चेंज करिएगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, और वो जो कांस्टेंट आएगा उसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ जो हम लोग कांस्टेंट यूज कर रहे हैं वो की, और इस के को क्या बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपका के क्या है, तो डाई इलेक्ट्रिक स्प्रिंट। इस के का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε, क्या होता है 1/4πε, और इस एब्सोल्यूट का वैल्यू एब्सोल्यूट इज इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट नॉट इनटू एब्सोल्यूट। लेकिन जो हम लोग को जनरली केस में ये पूछा जाता है कि अगर ये आपका पहला चार्ज और यहां आपका दूसरा चार्ज, ज्यादातर यहाँ जो मीडियम लिया जाता है वो एयर लेकर के चला जाता है। तो जैसे हम लोग बात एयर की करते हैं तो ये जो एब्सोल्यूट आर का जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट आर इसका वैल्यू 1 होता है, किसके केस में स्टूडेंट, फॉर एयर के एब्सोल्यूट आर का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1। तो जैसे हम एब्सोल्यूट आर का वैल्यू 1 करेंगे एक बढ़िया बात आ जाएगा, एब्सोल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा एब्सोल्यूट, क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट। अब इस एब्सोल्यूट के जगह मैं क्या लिख दूं, एब्सोल्यूट के का जो वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट क्या होगा 1/4πε0 हो जाएगा। अब इस के वैल्यू इतना के बराबर जो वैल्यू होता है स्टूडेंट वो 9×10^9 होता है, 9×10^9। मैंने ऑफलाइन क्लास में मैंने प्रूफ किया था कि 1/4πε0 का वैल्यू
9 गुने 10 की पावर 9 कैसे होता है आप जाकर के नोट कॉपी में देखिएगा, तो आप क्लियर मैथमेटिकल प्रूफ में मैंने दिया। तो अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप, यहाँ से एक साधारण काम तो हम लोग कर ही ना सकते हैं। इस ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए का वैल्यू आप यहाँ पुट करिएगा तो आ जाएगा ए फेज इक्वल वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इनटू क्यू टू का मैग्नीट्यूड और बटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अब देखिए, अब बताइए इसके जगह हम लोग 9 इनटू 10 टू दी पावर 9 भी रख सकते हैं, उसको मैं कोई दिक्कत नहीं, और ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन। अब जब ये फोर्स है तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, वो कैसनो फोर्स हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, फोर्स अगर है तो वो कैसी क्वांटिटी हो, क्या होगा। और 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्केलर एंड वेक्टर, अगर एचसी वर्मा के बुक पढ़े होंगे तो एचसी वर्मा के बुक में स्केलर एंड वेक्टर नहीं मिल करके फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के नाम से वहां चैप्टर रहता। तो आइए वेक्टर क्या था बताइए, आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे तो वेक्टर में जानते होंगे कि वेक्टर उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और साथ ही साथ जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करे, यानी सदिश के योग के नियम का पालन करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ से देखिए कि अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा और एक ट्रायंगल का पालन करेगा वो अलग। अब मैग्नीट्यूड तो हम लोग इसको से निकाल लेंगे कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर निकालेंगे, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो देखिए यहां आइए, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा देखिए क्यू वन और क्यू, अगर ये दोनों रिपल्सिव फोर्स है तो रिपल्स करेगा। तो यहां पे गुलाम साहब ने बताए कि जो रिपल्सन फोर्स होगा या जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो जो दोनों चार्ज को जो लाइन मिला रही है, जो आप लाइन को मिला रहे हैं वो उसी के अनुदिश होगा। अगर रिपल्सन होगा तो इसको इधर इंडिकेट करेंगे और अट्रैक्शन होगा इधर इंडिकेट करेंगे, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा उस लाइन के अलोंग होगी, है ना, उस लाइन के अलोंग होगा जो लाइन दोनों चार्ज को मिला रही है। तो यहां से क्लियर हो गया, तो यहां से आप इसको में एक चीज और जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं, एक जो होगा वो वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन इंटू क्यू टू और बटा में आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक कैप लगा दीजिए, एन कैप, एक कैप लगाने से बढ़िया आर कैप लगा दो, आर कैप इसलिए क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग आर माने हैं और आर के ही अलोंग होगा, तो यहाँ पे आर कैप लगा देते हैं, और ए जो आपका हुआ ये कूलम्स का नियम हुआ, और कूलम्स का ये पूरा का डेरिवेशन हुआ। आप लोग आराम से चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, फेटाइल मीडियम हो, कोई मीडियम का स्टूडेंट, ठीक है, इसको आराम से मैं शुरू से कर देता हूँ, इसको आराम से आप लोग का उतारिए। ये था आपका हेडिंग लाइन, भी आप यहाँ तक उतारिए, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ, विश्वास है कि आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और आप ये दूसरा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर गंदा टाइप का हो गया है, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं और ऊपर कर देता हूँ,
ये आपका फाइनल हो गया। अब यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में इसको पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी जो मैंने पैकेज में आपको प्रोवाइड करवाया है वो सारा ऑब्जेक्टिव आपको मैं अगले क्लास में अगले लेक्चर में करवाऊँगा। आप लोग लेक्चर को ध्यान से देखें, स्किप करके ना जाएं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।